A jar of height h is filled with a transparent liquid of refractive index mu. At the center of the jar, on the bottom surface is a dot. Find the minimum diameter of the disc such that when placed on the top surface symmetrically at the center, the dot is invisible. Okay, so कहना क्या चाह रहे हैं कि इस डॉट के ऊपर डिस्क रखें ऐसे कि डिस्क का सेंटर जो है वो डॉट के जस्ट ऊपर हो, ठीक है ना? तो हमें क्या डायमीटर रखना पड़ेगा कि डॉट दिखना बंद हो जाए? देखिए, डॉट तभी दिख सकती है जब बाहर लाइट आ पाएगी डॉट से, ठीक है? और बाहर लाइट आना तब बंद हो जाएगी जब वो क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट करेगी, क्रिटिकल एंगल सी, तो फिर लाइट आना बंद, बाहर आना बंद हो जाएगी, ठीक है ना? तो हमें बस ये क्रिटिकल एंगल ही निकालना है। कैसे निकालते हैं? म्यू, वाटर का म्यू दिया है, बाहर का वन है, साइन सी एस म्यू, बाहर का तो वन है, साइन 90 है ना? तो हमारे पास जो साइन सी आ गया वो आ गया 1/μ। अब हमको तो ये रेडियस मिल जाएगा तो 2 times कर देंगे तो डायमीटर मिल जाएगा, तो ये चाहिए, ये हमारे पास ऑलरेडी है, एच हमारे पास है, तो हमें टैन चाहिए। टैन सी करेंगे तो इसी ये एंगल है ना ऑल्टरनेट, तो परपेंडिकुलर रेडियस और ये एच, सो वी हैव गॉट एच टैन सी एंड डायमीटर चाहिए था 2h tan c। एक ट्राइंगल बनाए 1 μ और ये म्यू स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से आप टेन थीटा निकाल लीजिए, 2h 1/μ² - 1, सो वी हैव डायमीटर इक्वल्स टू 2h/μ² - 1 एंड दैट इज द फाइनल आंसर।